नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा, जैकिन जिल परिवार की सदस्य। प्यारे बच्चों, आज का अपना नया विषय है विकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक अथवा काल के आधार पर बदले। विकार का अर्थ ही बदलना होता है। इस प्रकार वे शब्द जो अपने मूल रूप में परिवर्तन ला दे, किस आधार पर परिवर्तन ला दे, लिंग, वचन, कारक व क्रिया काल के आधार पर परिवर्तन ला दे। तो इस प्रकार आपने समझ लिया कि जो शब्द बदल जाए वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है संज्ञा शब्द, दूसरा प्रकार है विशेषण शब्द, तीसरा है सर्वनाम शब्द और चौथा है क्रिया शब्द। इस प्रकार विकारी शब्द के चार भेद हुए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया। आज हम मुख्य रूप से संज्ञा शब्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। संज्ञा शब्द आप पूर्व की क्लासों में पढ़ चुके होंगे कि संज्ञा क्या होती है। सरल शब्दों में मैं आपको यही बताऊंगी कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हो कि इस सृष्टि में जड़, चेतन, चल, अचल अनेक प्रकार की जो भी हमें दृष्टि गोचर होती है, वे सभी वस्तुएं, उन सभी का कोई ना कोई पहचान रूप में नाम होता है। उन्हीं नाम के आधार पर हम उनकी पहचान कर पाते हैं, तो नाम का ही को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को हम परिभाषित कर सकते हैं और इसकी परिभाषा निम्न इस प्रकार होगी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो है वो है नाम। अब यहां पर किनके नाम, प्राणी जिसमें जीव जंतु जितने भी सजीव प्राणी हैं वे सभी व्यक्तियों में आएंगे, वस्तुएं व स्थान अथवा ये सभी दृश्य चीजें हैं। जैसे व्यक्ति दृश्य है, वस्तु और स्थान ये सभी हमें दृष्टि गोचर होते हैं, लेकिन एक नाम जो है इसमें इस प्रकार का है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन अनुभव व महसूस कर सकते हैं, उसी का नाम भाव है। भाव के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। इस प्रकार आप भी घर बैठकर मेरे साथ दोहरा सकते हैं, संज्ञा नाम को कहते हैं और इसको परिभाषित आप कर सकते हो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। प्यारे बच्चों, संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक
संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैं आपको बताना चाहूंगी जिसमें एक व्यक्ति, एक वस्तु व एक स्थान का नाम हो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति व स्थान में एक होना अति आवश्यक है। जहां पर एक नाम होगा वह मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे राम जयपुर, गंगा इत्यादि। जैसे नाम व्यक्ति का नाम है और एक का ही नाम है, इस प्रकार जयपुर स्थान का नाम हुआ और गंगा नदी का नाम हुआ। तो जहां पर एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। संज्ञा का दूसरा प्रकार होता है जाति वाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जाति, जाति का अर्थ है यहां पर किसी भी एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक जगह का बोध नहीं होगा। इस संज्ञा के इस भेद में हमें इनकी संपूर्ण जाति का बोध होगा। तो जहां पर संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे लड़का, देश, नदी आदि। नदी का नाम लेते ही हम सभी नदियों का बोध, सभी नदियों के बारे में समझेंगे। देश यानी देश में संसार के सभी देश आ जाते हैं और लड़का कहने पर दुनिया के सभी लड़कों का बोध होता है। तो इस प्रकार आपको इन दोनों में अंतर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एक का ही बोध हो रहा है, राम का नाम लेते ही हमें राम लड़के का ही बोध हो रहा है। जयपुर यानी हमें सिर्फ जयपुर स्थान का ही बोध हो रहा है और गंगा नदियों में सिर्फ गंगा का ही बोध हो रहा है। इन नामों में लड़का, यहाँ पर यह निश्चय नहीं हो पा रहा है कि लड़का कौन सा है। तो यहाँ पर लड़के की संपूर्ण जाति का बोध है, देश की संपूर्ण जाति का बोध है और नदी यानी सभी नदियों का बोध यहाँ। इनके पश्चात संज्ञा का अन्य भेद जो है वो है भाव वाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो है वह व्यक्तिवाचक व जातिवाचक से थोड़ा अलग होता है। क्यों? क्योंकि इन सब में सभी दृश्य चीजें हमारे सामने आती है। भाव वे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हम उन्हें हमारे मन से व किसी भी रूप में महसूस कर सके। भाववाचक वही होते हैं जो महसूस किए जाए, ना कि दिखाई दे। इस प्रकार भाव में हम ले सकते हैं बचपन, मित्रता, पढ़ाई आदि। बचपन हमें दिखाई देता है, हम उसको, बचपन हमें दिखाई नहीं, हम महसूस किया जा सकता है। मित्रता हम महसूस कर सकते हैं और पढ़ाई यह भी एक प्रकार का भाव है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार आप सभी ने जाना कि विकारी शब्द जो बदलाव ला दे, ये मुख्य रूप से चार प्रकार के हुए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व
क्रिया, जिनमें आज हमने मुख्य रूप से जिसको जाना वह है संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा में किसी का भी नाम होता है। इनको इनके गुण, धर्म, स्वभाव आदि के आधार पर मुख्य रूप से तीन हिस्सों में बांटा गया, जिसमें पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक। इसमें किसी भी एक व्यक्ति, वस्तु, जगह, गुण, जगह का बोध होता है। जातिवाचक, जिसमें हमें संपूर्ण जाति का बोध होता है। भाववाचक, वे वह संज्ञा होती है जिसमें हमें किसी भी चीज को देखना, देखा नहीं जा सकता, सिर्फ मन से उसे स्पर्श किया जा सकता है। इस आधार पर मैं आपको बताऊंगी कि संज्ञा के हमने भेद व उसके शाब्दिक अर्थ व उसकी परिभाषा को समझा। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आए तो हमारे विद्यालय जैक एंड जिल सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, उसके पश्चात हमारे इस वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के पश्चात अपने फ्रेंड्स व अपने रिलेटिव्स को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।